हेलो एवरीवन, अगर आपका सपना एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट जॉब लेने का है तो साल 2024 में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, पहले ही मैंने आपको बताया था कि वैकेंसीज 10,000 प्लस अभी तक आरटीआई रिप्लाई से हो चुकी है, लेकिन अभी जो आरटीआई रिप्लाई फाइनली अब तक जो मिले हैं, आज 31 मई तक टोटल वैकेंसीज जो रिपोर्ट हो चुकी हैं वो हैं 15,350। जी हाँ, 15,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर हो चुकी है। और ये जो सारी वैकेंसी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, ये करीब करीब केवल अभी 16 डिपार्टमेंट में से ही रिपोर्ट हो चुकी हैं। और टोटल कितने डिपार्टमेंट होते हैं, टोटल करीब करीब 60 डिपार्टमेंट, हर बार 60 डिपार्टमेंट्स में से वैकेंसीज आती हैं, उसमें से केवल 16 में से हैं। लेकिन ये बात सच है कि मेजर मेजर डिपार्टमेंट की आ चुकी हैं। एक जो मेजर डिपार्टमेंट है वो वहाँ से अभी वैकेंसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, और वो है हमारा कैग का, तो डिटेल में मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। और पीएएसए जो कि हमारा पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं, जो सीजीएल 2022 में ऐड हुआ था, पहले सीएचएसएल के थ्रू लेते थे इसको, ठीक है, ये पोस्ट सीजीएल 2022 के बाद ऐड हुई, उसकी कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई आरटीआई रिप्लाई में, वो सारा बताऊंगा, पूरा वैकेंसी चार्ट इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा, एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया, जो नॉर्मलाइज होकर हो गया था 244.44, और इंग्लिश में मेरा स्कोर था नॉर्मलाइज 196 आउट ऑफ 200। तो माई पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए, तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसीज अभी आरटीआई के थ्रू जो है रिपोर्ट हुई है वो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे 4098 मतलब 4000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हुई है, जिसमें जनरल की 1692 हैं, आप देख सकते हो, ओबीसी की 1010, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 379, एससी में 608 और एसटी में 409। अब हम आते हैं इसको मिला करके, तो अब तक कितनी वैकेंसीज हो चुकी हैं वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, तो अब तक यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि वैकेंसीज हो चुकी हैं 15,350, ये आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब सारी वैकेंसीज एक बार मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, और आपके लिए बहुत मोटिवेशन की तरह ये काम करेगा, अपने पास रखो कि हाँ इतनी वैकेंसी है, इस बार मुझे जॉब लेनी है। अगर आप देखोगे एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एएसओ होता है, उसकी वैकेंसी टोटल यहाँ पे 930 है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर एएसओ इन एमईए की बात करूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि बहुत बच्चों का सपना होता है, उसमें 120 वैकेंसी इस बार रिपोर्ट की गई है, जो कि अच्छी वैकेंसीज हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू जब आप एएसओ बनते हो तो आपको विदेश जाने का मौका मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट आपको विदेश भेजती है, और वहाँ पर बहुत अच्छी आपकी सैलरी भी होती है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती है, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की अगर वैकेंसी देखें तो 411 में आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना, इसका वैकेंसी चार्ट भी बता चुका हूँ आपको, स्टेट वाइज वाला एक शॉर्ट भी बनाया था, वहाँ पे पड़ा होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। इंस्पेक्टर, और इसमें ये एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2664, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है, इसका वैकेंसी चार्ट रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज ये मैंने शॉर्ट भी किया और वीडियो भी किया, दोनों आप देख सकते हो, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की बहुत अच्छी पोस्ट है, ये भी 4600 ग्रेड पे है, और ये 340 वैकेंसी अच्छी है इसमें भी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एग्जामिनर की बात करो तो एग्जामिनर की 145 पोस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है, एग्जामिनर की 145 है, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो होता है उसकी 55 है। अब आते हैं, देखो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी 111 वैकेंसी उसकी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर ऑफ इन एनसीबी उसकी वैकेंसीज 15। अब यहाँ पे जो मेजर वैकेंसी हैं, ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि जेएसओ की जो वैकेंसी हैं वो 725 है। जेएसओ की क्या खास बात है, जेएसओ के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का एक अलग से एग्ज़ाम देना होता है, और इसमें और क्या खास बात है कि ये एग्ज़ाम जो इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 32 है जनरल के लिए, और किसी जो है पोस्ट में सीजीएल में इतनी अपर एज लिमिट नहीं देखने को मिलती है, इसमें 32 है। तो कई बच्चे जिनकी एज अगर 30 के अराउंड भी है वो इसके लिए सीजीएल को टारगेट कर सकते हैं, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी पहले अच्छी तैयारी है पिछले अटैम्प्ट में, ठीक है, और किसी वजह से आप फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए थे, तो अगर आप सेकंड लिस्ट में, प्रीलिम्स में सेकंड लिस्ट में अगर अपनी जगह बना पाओगे तो जेएसओ में आप निकल जाओगे आगे, मेंस में इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, अच्छी वैकेंसी है इसलिए आप कर पाओगे, ठीक है। ऑडिटर इन सीजीडीए देखें तो बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे, ठीक है, 1800। और अगर हम देखें ऑडिटर, और अगर हम देखें पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, अभी मैंने बताया 4098 है ना, 4098 मैंने अभी आपको बताई, और
ये टैक्स असिस्टेंट और ये टैक्स असिस्टेंट इन CVDT एंड CBIC हम पहले ही देख चुके हैं, टोटल वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है 15350। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन यहाँ पे करते हैं कि कट ऑफ फ्री की किस तरह से डिसाइड होगी, कि अगर ये वैकेंसीज बढ़ करके मान लो 18,000, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, क्योंकि क्योंकि अभी कैग की वैकेंसी आनी बाकी है, कैग में ऑडिटर की वैकेंसी आएंगी, AAO की वैकेंसी भी आ सकती है, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि गैजेटेड पोस्ट होती है, अगर वो वैकेंसी सारी आती हैं और ये वैकेंसी 18,000 के आसपास पहुंचती है, तो आप खुद देखो कि अगर वहाँ पर उसने 10 गुना बच्चे बुलाए तो 1,80,000, ठीक है, ठीक है, 8 गुना 9 गुना भी बुलाए तब भी आपके बहुत सारे जो बच्चे प्रीलिम्स निकालने वाले हैं, है ना, तो प्रीलिम्स की कट ऑफ थोड़ी नीचे जरूर जाएगी, पिछले साल जितनी नहीं जाएगी, फिलिप्स की कट ऑफ नीचे आएगी, कट ऑफ पक्का बात है कि नीचे आएगी, पिछले साल तो 150 पहुंच गई थी, उतनी नहीं जाने वाली है, तो अच्छे से तैयारी में लग जाओ। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर CGL नहीं हो पाएगा, उतनी तैयारी नहीं है, तो अभी भी अच्छे से तैयारी कर लो, मैं बोल रहा हूं कि आप प्री निकाल लोगे, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, तो बहुत सारे बच्चे प्री निकालने वाले हैं जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो बाद में फिर मेंस के लिए आप मेहनत कर सकते हो, तो अच्छे से अभी से लगोगे तो पक्की बात है कि फ्री हो जाएगा, आप कहीं भी स्टैंड कर रहे हो, चाहे आप अगर मॉक में अभी 90-100 ला रहे हो तब भी फ्री होने का पूरा चांस है, जम के मेहनत कर लो, ठीक है। जो मेरी क्लास रहती है सुबह 10 बजे मैथ की लाइव, मैंने लगातार यहाँ पे मैथ कराया है यूट्यूब पे ही, अगर आप वो सारी फॉलो करोगे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स आने दो, प्रीलिम्स आपका केवल उस लाइव क्लास से ही मैथ आप फोड़ के आ जाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में ही करा दिए हैं, तो आप वो सारे क्वेश्चन अगर आज की तारीख में भी लगा लेते हो तो पक्का आने वाले एग्जाम्स में आप मैथ में फोड़ के आओगे, 50 out of 50 ही लाओगे, ठीक है। अगर CGL एग्जाम की तैयारी आप 2024 की अभी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप बीच मझदार में हो, तो हमारा CGL का फाउंडेशन बैच लेकर जिसमें Tier 1 Tier 2 का पूरा आपको वीडियो कोर्स, ठीक है, PDF प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, हमारा माई पाठशाला की ऐप पर जाके आप जो है परचेज कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो किसी भी क्वेरी के लिए, ठीक है। तो ये थी बहुत बड़ी अपडेट CGL वैकेंसीज के रिलेटेड, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब अच्छे से तैयारी में लग जाओगे, इस बार CGL क्लियर करने के लिए अपनी जान लगा दोगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।